पॉइंट है, यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉइंट क्रमांक दो लिखेंगे बच्चों, मोर अबाउट इवेपोरेशन। में इवेपोरेशन को समझते हुए भी एक और शब्द को समझना पड़ेगा, विच इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को पहले डिफाइन करेंगे, लिखेंगे इंग्लिश, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हवा में जितना पानी गैशियस रूप में मौजूद है उस अमाउंट को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो। ये फोटो भी मैं चाहूँगा आप पैरेलली बनाओ। अगर आप ऐसे एक देखिए, मैं मदद भी कर देता हूँ आपकी फ़ोटो समझाने में। एक वेजल है बेटा, उस वेजल में लिक्विड वाटर पड़ा है और कोई उबल उबल नहीं रहा है बेटा। ये लिक्विड वाटर को ये मान लीजिए, ये जो H2O लिक्विड यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, इस H2O लिक्विड को मैंने किसी टेम्परेचर T पे रखा है। ये टेम्परेचर T रूम टेम्परेचर है। हाँ सर, रूम टेम्परेचर कभी मई में ज़्यादा होता है तो कभी ठंडियों में कम होता है, लेकिन इस रूम टेम्परेचर पे भी बच्चों कुछ वाटर ऐसा ज़रूर होता है जो कि वेपराइज करे। वो वेपराइज वाटर देखो ऐसे डॉट डॉट करके बने हुए हैं, दिख रहे हैं सबको, ये H2O गैस है। तो ये जो पानी लिक्विड H2O गैस थोड़ा बहुत बना ही होगा, ये जो भी H2O गैस बना है ना, ये क्यों बना है? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल में एनर्जी आई होगी और वो लिक्विड से गैस बन गए होंगे। हेलो हेलो हेलो, अरे सर इतनी बात समझ में आती है? हेलो यस सर। अरे सर, सतना नदी का भी पानी होगा सर, वो हम किसी जैसे आज जाके देखेंगे तो वो एक दिन में तो इवेपोरेट नहीं कर रहे ना सर। सूरज तो रोज उगता है, तो रोज ही सरफेस का मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती होगी तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते होंगे सर। तो इवेपोरेशन तो रोज धीरे धीरे होता होगा ना, तो सर कुछ ना कुछ पानी लिक्विड से गैस में तो रोज बदलता होगा हर टेम्परेचर T पे। तो लिख लेंगे कि हो क्यों रहा है, ड्यू टू इवेपोरेशन। बात समझ में आती है? हेलो yes, सब ने इतनी फोटो बना ली, हटा दूं कि रुकूं थोड़ा सा, इंग्लिश लिखेंगे। लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये पहले लिखो फिर इसको समझते हैं। ये ह्यूमिडिटी में बेटा पैरा चेंज करके लिखना है। क्या लिखना है कि लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर का कंसंट्रेशन रिमेन कॉन्स्टेंट, इनका कंसंट्रेशन नहीं बदलता। कब? किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज करोगे तो बदल जाएगा, पर जब तक टेम्परेचर फिक्स है तब तक लिक्विड वाटर और वाटर वेपर का कंसंट्रेशन फिक्स रहता है। इसको समझा देता हूँ, पहले इंग्लिश लिखो। लिखो तो हाँ बोलो। सबने लिख लिया, हटा दूं? रुक गया बेटा। मैं आपको ये सब ये सतना नदी का पानी है दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में हमको पता है टेम्परेचर जो होता है वो काफी कम होता है। हेलो हेलो, अच्छा yes, सर अगर इतनी बात हमको आप समझा चुके हो कि चाहे टेम्परेचर जो भी हो, सूरज तो निकलता है और सरफेस का मॉलिक्यूल लिक्विड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट भी होता है। हमें ये भी पता है इवेपोरेशन की इस प्रक्रिया से कि सर जब टेम्परेचर अधिक होगा ना तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। हेलो, और जब टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। नहीं समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, मतलब बेटा मतलब मेरा कहने का केवल ये है, मैं इसी फोटो में संशोधन कर रहा हूँ, मतलब बस मेरा कहने का ये है कि जब टेम्परेचर
जब भी आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो हाई है तो वेपर्स ज़्यादा होंगी, जब टेम्परेचर कम होगा तो वेपर्स कम होंगी, लेकिन इवेपोरेशन होता रहेगा। इवेपोरेशन का अर्थ क्या है बच्चों? इवेपोरेशन का बेसिक अर्थ है चाहे टेम्परेचर या मौसम जो भी हो, H2O लिक्विड H2O गैस में ना कन्वर्ट होता रहता है। और ये कन्वर्जन बता बच्चों, ये कन्वर्जन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कोई भी प्रोसेस होता है, उसको कैसे दिखाते हैं बच्चों? ऐसे एरो से। ये एरो दिखा रहा है कि लिक्विड गैस भी कन्वर्ट हो सकता है और गैस वापस लिक्विड भी बन सकता है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में बच्चों जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, मतलब अगर मान लो ये टेम्परेचर हाई है, मतलब मई का महीना है, तो लिक्विड वाटर और वाटर वेपर्स का जो भी कंसंट्रेशन होगा ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। हेलो, कब तक चेंज नहीं हो सकता? जब तक क्या चेंज ना हो बेटा, जब तक क्या चेंज ना हो? टेम्परेचर। तो वाटर वेपर्स की जो मात्रा है ना, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि सतना नदी में पानी कितना है, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कितना है। हेलो हेलो। तो ये जो ह्यूमिडिटी होती है, इसको केवल फर्क किस चीज से पड़ता है? टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है अगर टेम्परेचर फिक्स है तो। हेलो, इतना पहले फोटो बना लो, फोटो बनाओ तो। हाँ बोलो। चाह रहा हूँ बच्चों जिससे बहुत कॉमन सेंस की बात लेकिन बड़े अच्छे से समझ में आएगी अपने को। आइए देखें बेटा, मैं आपको सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ बच्चों कि मेरे पास दो स्थितियाँ हैं, एक स्थिति ये है मई के महीने की, एक स्थिति ये है दिसंबर के महीने की। आप मुझे एक बात ये बताओ, अगर मैं डायरेक्ट धूप में कांटेक्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इस माहौल में आपको अभी फ़िलहाल केवल इस माहौल में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि इस केस में आप बताओ ह्यूमिडिटी क्या है? ज़्यादा है ना? ज़्यादा। हेलो, तो इस फोटो में मैं लिख भी देता हूं हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ह्यूमिड, और इसमें लिख देता हूं लेस ह्यूमिड। हेलो हेलो। अब मुझे मुझे आप एक बात बताओ बेटा, क्या अगर मैं अपनी मैंने अपनी जीन्स धोई, ठीक है, मैंने आज बढ़िया नहाते समय अपनी जीन्स बढ़िया सर्फ वर्फ लगा के मस्त धो दी, ठीक है, अब आप मुझे बताओ मेरी जीन्स सूखना भी इवेपरेशन ही है ना भाई? मेरी जीन्स में H2O लिक्विड H2O गैस जब बन जाएगा तो इवेपरेट हो जाएगा, इवेपरेशन ना है ना? मैं जीन्स को भट्टी में तो नहीं जलाऊंगा वरना कपड़ा जल जाएगा। मैं जीन्स को जब सूखने डालता हूँ तो भले धूप में ना डालूँ, अपना अगर कमरे में भी डालूँ तो जीन्स सूखेगी कि नहीं सूखेगी? सूखेगी। हेलो भाई, धूप में ना डालूँ मास्टर, हम लोग ने भी अपने घर के आदमी बारजे में डाल देता, वहाँ धूप नहीं आती लेकिन फिर भी सूख जाती, तो सूखती तो है सर। अच्छा, मतलब इवेपरेशन तो होता है सर। अच्छा मुझे बताओ, मैं जीन्स ऐसे कमरे में सुखाऊं या ऐसे कमरे में सुखाऊं? किस कमरे में जीन्स आसानी से सूख जाएगी बेटा? कमरा नंबर हाई ह्यूमिड की कमरा नंबर लेस ह्यूमिड? सर हाई ह्यूमिड। अब जिन्होंने हाई बोला है, मैं उनके लिए एक बात समझा दूं बेटा, अगर H2O गैस पर्यावरण में ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो उसका कंसंट्रेशन तो फिक्स हो चुका है, वो कांस्टेंट है। और ज़्यादा जीन्स लिक्विड से गैस में क्यों पानी कन्वर्ट होगा? क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी ज़्यादा है और वो कांस्टेंट है, वो वैल्यू उससे ज़्यादा तो होगी नहीं, तो जीन्स का जो इवेपरेट होना है ना बेटा वो बहुत स्लो होगा। हेलो हेलो, मैं जान के बेटा जीन्स के सूखने को जीन्स का इवेपरेट होना बोल रहा हूँ, क्योंकि सर सूखने का अर्थ यही ना है मास्टर कि H2O लिक्विड H2O गैस बने। सर अगर आप यही कह रहे हो कि टेम्परेचर फिक्स रहता है तो ह्यूमिडिटी यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर फिक्स रहता है और वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट क्यों होगा? मतलब जीन्स ऐसे माहौल में सूखेगी बहुत देर से, वेयर एज ऐसे माहौल में जल्दी सूख जाएगी। शायद इसीलिए बेटा बारिश के मौसम में अगर आप कपड़ा बारिश मत डालो, अंदर डालो, अंदर भी अगर डालोगे ना वहाँ बारिश नहीं आ रही है लेकिन फिर भी कपड़ा देर से सूखता है, ऑब्जर्व किया है आपने? हेलो हेलो, यस सर। ये फोटो बन गई सबकी? हटा दूँ इस फोटो को? यस सर।
बेटा मैं आपको चाहूंगा नेक्स्ट टाइम से आप ये लिखो कि ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ये लिखना आप लोग को बहुत गलत लगेगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आ जाएगा। अरे मास्टर, कप जीन्स ना सूख ना जल्दी सूखेगी अगर ह्यूमिड होगा। बारिश के महीने में, बारिश के मौसम में H2O गैस के रूप में ज्यादा होता है, तो जीन्स देर से सूखती है। क्यों? क्योंकि सर जब H2O गैस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है पर्यावरण में, तो आपकी जीन्स का H2O लिक्विड गैस में काहे कन्वर्ट होगा? ना होगा। हेलो हेलो, हटा दूं? इवेपोरेशन की स्पेलिंग सुधार देना। तो इंग्लिश भी लिख लो, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉमा ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ये बात समझ में आती है सबको? एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। विंडी मतलब जब हवा ज्यादा होती है। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ती है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे। भाई जो पानी H2O गैस रहता है, हवा तेज चलती है तो उस H2O गैस उस हवा के साथ मूव कर जाते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेयर में H2O गैस घट जाता है। अब H2O गैस का कंसंट्रेशन तो एक फिक्स्ड वैल्यू तक आना ही चाहिए, तो फिक्स वैल्यू तक आने के लिए क्या होगा, अब और तेजी से H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, मतलब आपका कपड़ा तेजी से सूखने लगेगा। तो लिखेंगे विद द विंड कॉमा डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग वाटर वेपर का अमाउंट घट गया, फुल स्टॉप। एज अ रिजल्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम क्लोथ्स इंक्रीजेस। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि हवा चलती है तो आपका पान जीन्स का पानी हवा लेके नहीं उड़ जाती बेटा, पानी लिक्विड से गैस ही बनता है। हवा जो तेज चलती है वो ऑलरेडी मौजूद H2O गैस को वहां से ले जाती है। अब H2O गैस हवा एटमॉस्फेयर से अगर कम हुआ तो इवेपोरेशन फास्ट होने लगेगा। आपके जीन्स का पानी हवा नहीं उड़ा के लेके जा रही, हवा हवा में मौजूद पानी को उड़ा के लेके जा रही है, जिससे H2O गैस का कंटेंट हवा में घटता है, जिससे अब आपकी जीन्स का H2O लिक्विड H2O गैस में तेजी से कन्वर्ट होगा। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो, अगर आपकी जीन्स में मौजूद H2O लिक्विड शाहरुख खान है और हवा में मौजूद H2O गैस सलमान खान है, हवा चलेगी तो सलमान खान को उड़ा के लेके जाएगी, और आपका जो जीन्स का शाहरुख खान है H2O लिक्विड, वो H2O गैस में तेजी से कन्वर्ट होगा। ये पानी का लिक्विड नहीं लेके जाती हवा। कई लोग को ये भी डाउट रहता है कि हवा में हवा उड़ा के लेके जा रही, हवा पानी लिक्विड को नहीं उड़ाती, पानी लिक्विड को पानी गैस में कन्वर्ट होने में मदद ऐसे करती है कि ऑलरेडी मौजूद जो हवा में पानी वाटर वेपर्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? फर्क हल्का सा है। हेलो हेलो, यस सर। चलो,